तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरजे कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा हो, मतलब एक टैंक का ढक्कन हो, या बड़े से बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, जैसे पुल हो गए, हाई राइज बिल्डिंग हो गई, हर कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ एक मटेरियल तो होता ही है। जैसे बाकी मटेरियल होते हैं ईंट, रेत, सीमेंट और बाकी, ऐसा ही सरिया भी होता है। तो सरिया कितने प्रकार का आता है, कितने प्रकार का आने लगा है बाजार में, किससे क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाए करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लोहे की सरिया का यूज दुनिया भर में बहुत जमाने से होता आ रहा है, क्योंकि लोहा बहुत पुराना धातु है। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि ये पानी और हवा के संपर्क में आते ही इसमें जंग लग जाता है और इसको रस्ट भी कहते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा छत में कि वहाँ पर सीलन आई हुई होती है, जिससे कि सरिया खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये समस्या होती है इसकी। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में नई नई तकनीक, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, नए चीज़ें आई हुई हैं, नया सरिया आया हुआ है, इसको स्टील वार का अल्टरनेट कह सकते हैं, जिसमें ग्रीन वार और GFRP सरिया आई हुई है मार्केट में। तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, इन्हीं दोनों के। तो पहले हम जान लेते हैं ग्रीन वार के बारे में। ग्रीन वार का फुल फॉर्म है एपॉक्सी कोटेड स्टील रेनफोर्स सीमेंट वार। ये हरे रंग की सरिया दिखाई देती है, स्टील वार की होती है, लेकिन इसके ऊपर एपॉक्सी का कोट चढ़ाया हुआ होता है। सरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर एपॉक्सी कोट की एक लेयर चढ़ाई जाती है। एपॉक्सी कोटिंग की जो थिकनेस होती है वो 100 से 300 माइक्रोमीटर तक होती है, मतलब 0.1 से 0.3 mm तक होती है। इसके एडवांटेज जान लेते हैं, क्योंकि इस पर एपॉक्सी की कोटिंग चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगता है। ये कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, जिस वजह से आपके स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, यानी कि सरिया की लाइफ तो बढ़ती है और आपके फिर स्ट्रक्चर की भी लाइफ बढ़ती है। इस वार के इस्तेमाल से कंक्रीट की जो देखभाल है वो कम हो जाती है। एग्रेसिव इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी एपॉक्सी रेनफोर्स वार आपके स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ा देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको यूज़ कहाँ करना है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रिज एंड फ्लाईओवर्स, मरीन स्ट्रक्चर्स, पार्किंग स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हाई राइज बिल्डिंग्स, और भी बहुत सारी जगह इसको कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। सबसे पहला तो यह है कि नॉर्मल सरिया से ये सरिया महंगा पड़ता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोटिंग की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा, इसको केयरफुली इंस्टॉल करना होता है, मतलब इसको जब हम लगाते हैं तो बहुत ध्यान से इसको यूज करना होता है, कहीं भी इसमें जो कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस कहीं डैमेज हो जाता है, या फिर जैसे आप इसको मोड़ते हैं कहीं पर मोड़ने के लिए, तो वहाँ पर हल्के हल्के क्रैक भी आ सकते हैं जो आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ पर क्या करना होता है, उसके लिए एक स्प्रे आता है, और इस स्प्रे को जो आप उसमें लगाते हैं तो उससे जो है उसका वो ढक जाता है और ओपन नहीं रहता है, और उसमें जंग लगने का, रस्ट होने का जो है खतरा बच जाता है। देख सकते हैं इसमें कोटिंग की हुई होती है, तो इसलिए इसको क्या करना होता है, जब भी इसका जाल बिछाना होता है, कुछ काम करना होता है, तो उसकी लेंथ बढ़ा दी जाती है, जिससे कि इसका थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो जैसा कि आपने जाना कि इसको लगाने से स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि सरिया की लाइफ बढ़ती है, तो ये थोड़ा महंगा भी होता है होने के लिए, तो क्या आप इसको लगाना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब जान लेते हैं GFRP सरिया के बारे में। GFRP की फुल फॉर्म है ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ये वार यानी कि ये सरिया काफ़ी नया मार्केट में, बहुत सारे लोग तो इन दोनों सरियों के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तो चलिए जान लेते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं जाता है। GFRP वार किन चीज़ों से बनता है? ग्लास फाइबर यानी ग्लास के रेसे, और अपॉक्सी रेजन यानी कि जो इसको जोड़ता है उस मटेरियल को अपॉक्सी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर बनता है GFRP वार। इसमें 80% तक फाइबर ग्लास होता है और 20% तक एपॉक्सी रेजन होता है। तो पहले जान लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। आपने TMT वार यानी कि जो हमारी सरिया होती है लोहे वाली, उसके ऊपर आपने देखा हुआ 500 या 550 ये होता है। तो ये क्या होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो कंपनी का कहना है कि GFRP टेंसाइल स्ट्रेंथ 1000 प्लस है, यानी कि TMT 550 होती है और FGC 1000 प्लस है, यानी दोगुना। कंपनी के मुताबिक आप जितने MM की सरिया TMT का यूज़ करते हैं, तो यहाँ आप कम MM का यूज कर सकते हैं,
जैसे इस चार्ट में आप देखें, यहाँ आपको एक तरफ TMT बार का नाप दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ FGC बार का नाप दिखाई दे रहे होंगे। जैसे 8mm की जगह आप 6mm का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको, इसका यूज आप पानी के टैंक्स बनाने में, जो कि बहुत बड़ी बड़ी टैंकी होती है, उनको ही बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि पानी में ख़राब नहीं होता है। पार्किंग रोड में कर सकते हैं, मेन रोड में कर सकते हैं, RCC की वॉल में कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल में कर सकते हैं, पार्किंग में फ्लोर में कर सकते हैं, कंपनीज की फ्लोरिंग में कर सकते हैं और स्विमिंग पूल में भी कर सकते हैं, क्योंकि TMT यहाँ पर महंगी पड़ती है और इस काम के लिए ये बेहतर भी है और कॉस्टिंग भी इसकी कम आती है। इसका यह भी फ़ायदा है कि इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये TMT की तरह फैलता या सिकुड़ता नहीं है, क्योंकि ये फाइबर का होता है तो ये फैलता या सिकुड़ता नहीं है और सीमेंट के साथ अच्छी पकड़ बनाता है। इस पर नमकीन पानी वाटर में, जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ये वहाँ के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें समुद्र के पानी से भी काम किया जा सकता है, क्यूरिंग यानी कि तरीके की जा सकती है। इसकी जो होती है 6mm, 8mm, 10mm की बार जो होती है, उसकी लेंथ आती है 100 मीटर यानी 100 मीटर जितना। इसका यूज बड़ी लंबी सड़क बनाने में या कहीं आपके रोड डालने में उसमें कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं इसकी, जहां लंबी का स्पैन चाहिए होता है वहां इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरलैप नहीं करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट बच जाती है। और ये लाइट वेट बहुत होता है, बहुत हल्का होता है TMT के कंपेरिजन में। इसकी जाली बनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कंपनी के ओनर का क्या कहना है। जी ने 1942 में ये इस कंपनी को चालू किया था और हम इंडिया के फर्स्ट सरिया मैन्युफैक्चरर भी हैं। सरिया बोलते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट है। और सरिया क्योंकि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, ऑल्दो उसमें भी नई नई डेवलपमेंट्स होती जा रही है, बट नाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, एंड सस्टेनेबिलिटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर कभी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, सरिया अपने में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि हम सरिया अभी भी बनाते हैं, अब पिछले 60 साल से सरिया बना रहे हैं हम। लेकिन जो खूबियाँ इसके अंदर हैं, वो कुछ खूबियाँ सरिये में भी नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा है कार्बन इमिशन, इस प्रोडक्ट के अंदर कार्बन इमिशन इज़ वेरी वेरी लेस। तो अभी जान लेते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जैसा कि पहले हमने जाना, TMT का सरिया जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 550 होती है और GFRP का 1000 प्लस होता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है TMT के कंपैरिजन में। मगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, बोलें तो इसकी कम होता है TMT के कंपैरिजन में, यानी TMT का ज़्यादा मजबूत होती है GFRP के मुकाबले मजबूती में। तो इसको आपने किसी भी वर्टिकल जगह या लोड वेयरिंग एप्लीकेशन में यूज नहीं करना है, आप इसको नॉन वेयरिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसको आप बैंड नहीं कर सकते, क्योंकि बैंड ये मैन्युफैक्चरिंग के समय ही होता है। इसको आप खड़े पिलर में, चाहे मकान के कॉलम हो या पुल के पिलर हो, कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आपने जो है फ्लैट एरिया में ही इस्तेमाल करना है और वहाँ यह यूज़ करना है जहाँ के लोड नहीं आता है ज़्यादा। तो ये थी सरिया के बारे में कुछ जानकारी। और डिटेल में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो क्या आप इस नई टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।